हेलो फ्रेंड्स, माय डे किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी चोको चिप्स कुकीज। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 75 ग्राम बटर, 132 ग्राम आटा, 66 ग्राम पिसी हुई चीनी, चोको चिप्स, वेनिला एसेंस, नमक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बटर को डाल देते हैं इसमें। नॉर्मल टेम्परेचर में है तो इसलिए थोड़ा मेल्टिंग स्टेट पे है। और इसके साथ में डालते हैं पिसी हुई चीनी और इसको अच्छे से विस्क कर लेते हैं। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो नॉर्मल विस्क से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बटर और चीनी अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे आटा। आटा हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे, एक साथ ना डालें आप। और इसको जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे गूंथ लीजिए। अब इसमें हम नमक भी मिला देते हैं और वेनिला एसेंस भी मिला देते हैं और वापस से अच्छे से गूंथ लेते हैं। थोड़ा आटा बच सा गया है तो अब हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। वापस से एक साथ कर देंगे। ऐसे हमने आटे को गूंथ लिया है, बट पूरा नहीं गूंथा, सेमी गूंथा है। और इसमें थोड़ा सा चोको चिप्स डाल दिए और इसको जैसे आटे के लड्डू में गोल गोल बनाते हैं बॉल्स, वैसे हम इसमें भी बना लेंगे। और एक एक करके सारी बॉल्स तैयार कर देंगे। ये देखिए हमने अपने कुकीज तैयार कर दी हैं और हमने बेकिंग ट्रे में डाल दी। मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है, आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली उसमें भी रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे और चोको चिप्स लगा देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। तो सारे में हम लगा देते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारी सारी कुकीज तैयार हो गई हैं और हमने अच्छे से इसमें चोको चिप्स लगा दिया। आप ड्राई फ्रूट्स लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट ये चोको चिप्स कुकीज है तो मैंने सिर्फ इसमें चोको चिप्स लगाया है। तो चलिए इसको माइक्रोवेव में रखते हैं। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में सारी कुकीज डालती हैं और मेरे में कुकीज का ऑप्शन था तो मैंने कुकीज के ऑप्शन में सिलेक्ट करके रख दिया। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप 160 डिग्री में 15 मिनट्स के लिए रख दें। तो हमारी कुकीज का टाइम ओवर हो गया है, तो हम देखते हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी कुकीज बनके तैयार हो गई हैं। कितने अच्छे से बनी हैं, प्रॉपर अच्छे से बनी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हैं। आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी कुकीज कैसे बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। एंड हाँ, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।